नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही YouTube से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है नीमच कनावती जेल से, जहां जेल ब्रेक के मामले में नीमच पुलिस ने आज खुलासा करते हुए बताया कि किस तरीके से 14 लोगों ने मिलकर जेल ब्रेक की साजिश रची और पूरे मामले का आज नीमच एसपी राकेश सगर ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया और बताया कि घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मास्टरमाइंड विनोद डांगी को गिरफ्तार किया। वहीं पूरे मामले में दो जेल प्रहरी जो वहां पे ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी भी भूमिका काफी संदिग्ध पाई गई और पूरे मामले में लिप्त पाए गए, जिसके चलते उनको भी आरोपी बनाया गया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, जिन्हें कैंट पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया। पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं न कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, जेल की जो व्यवस्था है, उन पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। जैसा कि सबको पता है कि नीमच की जो कनावटी जेल है, वहां कई तरह के कुख्यात तस्कर, हत्या के मामलों में आरोपी सजा काट रहे हैं, रेप वाले आरोपी वहां सजा काट रहे हैं। इसके बावजूद जेल में कोई भी सीसीटीवी की पुख्ता व्यवस्था नहीं दिखाई दी, जिसके चलते आरोपियों ने आसानी से इस वारदात को अंजाम दे दिया। पूरे घटनाक्रम ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। पूरे पुलिस महकमे हड़कंप सा मच चुका है और जहां तक कि आज एसपी ने जो प्रेस वार्ता में खुलासा किया है, उन्होंने बताया कि 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर दिया गया है और वहीं जो 9 आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग जिलों से सारी टीमें लगी हुई हैं और जल्द एसपी ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले में सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। खैर, देखना यह होगा कि पुलिस दावे जरूर कर रही है और जिस तरह की जेल व्यवस्थाएं नीमच ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, किस तरीके से जेल के जो घटनाक्रम है, जेल ब्रेक के जो मामले हैं, वो पहले भी हो चुके हैं और आज भी एक जेल ब्रेक का जो मामला बड़ा सामने आया, उसका पुलिस ने खुलासा किया है। पर क्या जेल की जो व्यवस्थाएं उनमें सुधार होगा या फिर ऐसे ही जेल की व्यवस्थाएं चलती रहेगी और जहां आरोपी कुख्यात तस्कर जो बंद है, वहां पर भी उनकी व्यवस्थाओं को लेकर सवालिया चिन्ह लगते रहेंगे। देखिए क्या बोले हमारे एसपी राकेश। देखिए, नीमच जेल ब्रेक में 4 आरोपी जेल को ब्रेक करके भागे थे और उनका पूरा खुलासा इस प्रकार है कि वो 4 लोग तो अंदर से भागे थे। उनका नाम लेखराज है, पहला लेखराज, दूसरा पंकज, नाहर सिंह और दुबेलाल। ये 4 आरोपी, इसमें 2 आरोपी एनडीपीएस के हैं और एक 376 का है और दूसरा 394 का है। 4 आरोपी यहाँ से भागे हैं और इनको भगाने में जो सहायक रहे वो 6 लोग इसमें चिन्हित हुए हैं। उसमें विनोद है और बबलू, कमललाल और रामनारायण और 2 लोग अन्य हैं, उनके अभी नाम हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और 4 जो लोग हैं वो जेल के अंदर, उसमें 2 प्रहरी हैं, उसमें ईश्वर चंद्र और ब्रजेश धाकड़ और 2 उसमें सस्पेक्टेड जो अभी आरोपी हैं, उसमें वो हैं बंदी जो दंडित हैं, एक पवन ठाकड़ है और दूसरा उसमें ये दोनों लोग जो है उसमें इनकी सस्पेक्ट हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त इसमें क्योंकि ये इन्होंने जो घटना कारित करने के बाद पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई अभी तक, उसमें मास्टरमाइंड विनोद को गिरफ्तार किया है, साथ में 2 पहरी अभी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ में ही अब जो बंदी जो इसमें सस्पेक्ट और इसमें अपराध में संलिप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ में ही जो 4 आरोपी जो भगे हुए हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनके लिए हम लोगों ने 4 टीम लगातार काम कर रही हैं और उसमें एसपी प्रतापगढ़, एसपी चित्तौड़ हम लोग संपर्क में हैं और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।